नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से भावी उम्मीदवार टीकाराम शर्मा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। तो सर, आप बताएं, जिला परिषद के जो चुनाव लड़ने की जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये जिला परिषद है क्या और किस तरीके से कार्य करती है, सबसे पहले तो आप ये बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है विनोद वैष्णव जी, कि जो जिला परिषद है उसका सर्वप्रथम कार्य है कि जो पंचायतें हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और उनको एक सही रास्ते पर ले जाकर जिसके लिए चुने जाते हैं, तो समन्वय विकास हो सभी पंचायतों का, उसमें तालमेल हो, उनके बजट में सभी प्रकार के प्रावधान हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्य है वो यही है कि पंचायतों के बीच में समन्वय स्थापित करके उनको ऊंचाई की ओर लेके जाना। जी, किस तरीके से समन्वय किया जा सकता है? इसमें सर समन्वय के कई तरीके हैं, जैसे कि हर पंचायत का अपना अपना समस्याएं होती हैं। किसी को पानी की समस्या है, किसी को नालियों की समस्या है, किसी को सफाई की व्यवस्था की समस्या है, और किसी को जैसे कि आप जानते हैं आजकल हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, तो उस दिशा में वो दौड़ भी लगाता है, प्राणायाम भी करता है, आसन भी करता है, और चिकित्सक से जो सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ उनको भी लेना चाहता है। तो यदि हम पंचायत, जो जिला परिषद है, यदि पंचायतों में ऐसी व्यवस्था कर दे कि वो बुराइयों से भी दूर रहें, रोगों से भी दूर रहें और अच्छे कार्यों के प्रति सदैव सचेत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो उनके जो सरपंच हैं उनकी मीटिंग बुलाकर उनको सही उद्देश्य समझाना। टीकाराम जी, आप ये बताएं दर्शकों को एवं वार्ड के वासियों को कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, किन समस्याओं को दूर करने का वायदा आप उनसे करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने बहुत ही एक मन को छूने वाला प्रश्न आपने किया है, जो आप आज तक किसी ने नहीं पूछा, वो आपने प्रश्न उठाया है अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको निस्संदेह आपको बधाई देना चाहता हूँ विनोद वैष्णव जी। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई, चुनाव किस लिए होता है? चुनाव लोकतंत्र में उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए होता है। और मर्यादा कैसे बनेगी? आपके व्यवहार से, आपके कर्म से। और कर्म क्या होने चाहिए हमारे, जो है कि जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है या जो लोग चुनकर भेजने वाले हैं, उनकी सभी बातों को ध्यान से समझा जाए। अब इसमें युवा शक्ति भी है, इसमें नारी शक्ति भी है, इसमें मातृ शक्ति भी है, और इसमें जो बाल्य शक्ति है जो वो भी इसमें है। कॉमन तो, बात करें किन समस्याओं को लेकर के आप जाएंगे कि भाई इन समस्याओं को मैं दूर करूंगा? मैं सर्वप्रथम दूर करूंगा रोगों को, उनको चिकित्सकीय सुविधाएं सही प्रकार से सुचारू रूप से मिलें, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। दूसरी बात, जो शिक्षा का स्तर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उन सब में शिक्षा का स्तर उच्च हो, उसको मैं निश्चित करूंगा। इसके साथ साथ पंचायतों में आपसी तालमेल हो, बजट के बारे में चाहे कोई बात हो, अब किसी पंचायत में तो ज़्यादा बजट है, किसी में बहुत कम है, लेकिन समस्याएं सबकी बराबर ही हैं, तो उन सबका एक सबके साथ मिल बैठकर एक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्वच्छता है, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई सर्वप्रथम स्वच्छता का मतलब है ईश्वर की पूजा करना, तो जो सफाई की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, जगह जगह ढेर गंदगी ढेर ना दिखाई दें, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो भी अपने वार्ड में जो भी गांवों के जो अड्डे हैं, जो भी शहरों के अड्डे हैं, वहाँ पर आजकल देखा है कि बहुत ज़्यादा जो शराब के ठेके हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक खुले हुए हैं। तो हम ये भी आह्वान करेंगे सबको साथ लेकर कि भाई उन ठेकों को थोड़ा दूर खोला जाए, ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, ताकि हमारी माताएं बहनें जो कि बेकसूर ही इन अपराधों को भुगतती हैं, वो उनको ना भुगतें जो है। इसके साथ साथ जो आजकल आप देखते हैं विनोद वैष्णव जी, जगह जगह पशु घूम रहे हैं, कुछ लोग उनको खुला छोड़ देते हैं, जो भी कारण रहा उनके पीछे, तो क्या है कि उससे फसल बर्बाद हो रही है पूरी तरह से। तो हम ये चाहेंगे, पंचायतों से निवेदन करेंगे सरपंचों से, कि वो अपने वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें कि कुछ कृषि योग्य भूमि को करें और उस पर फसल उगाएं, और कुछ पशुओं को वहीं पर रखें, ताकि इधर से उधर आवागमन, आप देखते हैं कि रात को जो बेचारा किसान है फसल उगाता है और दिन रात परेशान रहता है, उसको आकर पशु खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो यदि हम ऐसी व्यवस्था कर पाएँ कि भाई उन घूमते आवारा पशुओं को एक स्थान दे दें, अब वो भी कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, तो उनके लिए फसल उगा दें, कुछ चारे की फसल उगा दें, ताकि एक सरकार पर भी जो बोझ है वो कम हो जाए, और जो जनता पर जो बोझ है जो कि उनकी फसल खा जाते हैं, वो भी थोड़ा सा उनको सुकून मिले, ये हम चाहते हैं।
बात करें, अगर आपको जनता आशीर्वाद देकर के भेज देती है, पार्षद बना देती है, जी, तो सबसे पहला कार्य आप क्या कराना चाहोगे? सर, मैं एक श्लोक के माध्यम से कहना चाहूंगा, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन आसव। यदि ये जनता, जिसमें हमारी मातृशक्ति भी है, युवा शक्ति भी है, नारी शक्ति भी है, यदि सब हमको साथ दें, तो मैं निस्संदेह उनके जो विचार, जो उनके विचारों के अनुरूप जो सोचकर वो मुझे जिताएंगी, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि इलेक्शन तो बहुत हुए और बहुत सारे वार्ड से लोग भी चुने गए, लेकिन जो मैं, यदि मैं, मतलब यदि हम चुने गए, तो निस्संदेह मैं जमीनी स्तर पर कार्य करूंगा। और ये कार्य महिला सुरक्षा से संबंधित जी, जैसे उनकी सुरक्षा हो सके, कोई एक कार्य आप बताएं। देखिए, सबसे प्रथम तो ये कि जो जितने भी अड्डे हैं, वहाँ पर माताएं बहनें गुजरती हैं, जाती हैं, शहर जाती हैं, गांव को आती हैं, तो उन पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से एक तो चोरी पर भी अंकुश लगेगा, दूसरा अपराध पर भी अंकुश लगेगा। और सरकार भी ये चाहती है कि भाई कोई भी अपराध हो तो उस पर अंकुश कैसे लगे, उस पर प्रूफ के साथ अंकुश लगे, ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर बात करें, अभी महिला सीट है इस समय जी, और महिला सीट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किस तरीके से संभव है? अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, हम तो बधाई देना चाहेंगे खट्टर सरकार को कि महिलाओं को आधी सीटों पर उन्होंने जो है आवेदन दे दिया है, यानी रिजर्व कर दिए वो सीट जो है, क्योंकि जब तक मातृशक्ति आगे नहीं आएगी, तब तक घर परिवार देश समाज नहीं बदल सकता। और वैसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, तीन से संध्या शर्मा चुनाव लड़ेंगी? निस्संदेह, देखिए, जैसा सरकार का फैसला आएगा, उस हिसाब से यदि महिलाओं की सीट है तो उस पर वही लड़ेगी और वही अगुवाई करेगी, हम उनके सहायक बन जाएंगे जो है, और सहायक होना ही चाहिए वैसे भी जो है, क्योंकि एक बात कही है कि त्याग समर्पण स्नेह शक्ति और तप जिसकी पहचान थी, वो नारी हिंदुस्तान की, वो नारी हिंदुस्तान की। महिलाओं के प्रति सम्मान है, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान पार्षद हैं और चेयरमैन भी हैं जी, उनके कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं, विकास की दृष्टि से बात करें तो? देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि अब इस, और आपके गांव से हैं? यदि हाँ, हमारे गांव से हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जिसपे जितना अच्छा बन पाया वो करता ही है, और पर ये कि हम उसमें ये बात जोड़ना चाहेंगे कि हम और अच्छा करेंगे जो है, जिन्होंने अच्छा किया तो उसको और अच्छा कर देंगे जो है, ताकि जनता की जो ये शिकायत रहती है कि भाई हमारे ये काम नहीं हुआ, हमारे ये सड़क नहीं बनी, हम ऐसे रह गए, वोट मांगने आ जाते हैं, काम करते नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बातों को हम विराम लगा देंगे और सबका साथ सबका विकास होगा। हम मोदी जी की जो हमारे माननीय, आपसे एक सवाल और है जी, आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, शिक्षाविद हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ऐसे प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, कहीं उनकी वो हो जाती है सोच कि हमें बच्चे लेकर के आने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं और एक पैसा कमाना है जी। अब आप समाज सेवा में आ रहे हैं, तो किस तरीके से तालमेल बैठा पाओगे? देखिए, एक संस्कृत में एक कहावत है, यज्ञानी कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इसका मतलब यह है कि अब देखिए, कोई डॉक्टर है, अब वो काम करता है तो देखो फीस तो उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको इलाज करता है। अब कोई मजदूर है, यदि वो आपका घर बनाता है, सड़क बनाता है, तो उसका काम है वो करना, लेकिन आपका फर्ज ये है कि आप उसको उसकी मजदूरी दें। तो ऐसे ही जो शिक्षा है, ये भी एक ऐसा माध्यम है, और वैसे भी गुरुओं की भूमि रही है, तो लोग तो ये कहते हैं कि शिक्षा का दान महादान होता है। और लेकिन जब ये, अब आपने अच्छी बात पूछी है कि भाई शिक्षा में कैसे देखते हैं, प्राइवेट स्कूल संचालक हैं तो आप कैसे करेंगे आप जो है, तो देखो यह एक मैटर बिल्कुल अलग हो जाता है। अलग क्यों हो जाता है? देखो, ये भी समाज का एक हिस्सा है। यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो कैसे देंगे, बताइए आप? खर्चे होते हैं तमाम, जो है स्टाफ होता है, गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बिजली के बिल हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जनता ही जानती है सबसे अच्छी प्रकार से, कि यदि वो कुछ सुविधाएं चाहती है और वो अच्छी प्रकार से पढ़ाई चाहती है तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, और खर्च करना भी चाहिए। अंत में आप अपने वार्ड तीन के लोगों से, वोटर से, महिलाओं से, युवाओं से कोई अपील या कोई संदेश करना चाहेंगे? बिल्कुल निस्संदेह, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि मैं या हम खड़े होते हैं तो मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं किसी एक जाति का नहीं हूँ, मैं किसी एक समुदाय का नहीं हूँ, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सर्वधर्म सम्मेलन, यानी सब मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अब देखिए, कोई बीमार हो जाए
तो वो तो किसी भी बिरादरी में हो जाए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, रोग तो सबके लिए बराबर ही है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो सबके लिए बराबर हैं। और मैं मानता हूँ माता भूमि पुत्रः पृथिव्याः, यानी कि मैं सबका पुत्र हूँ, किसी अकेले एक समुदाय का मैं पुत्र नहीं हूँ। मैं यदि हम यदि जीते हैं तो सबके लिए समान रूप से कार्य करेंगे, ये मेरी निवेदन है, विनती है। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने, वार्ड 3 के निवासियों ने, वोटर्स ने सुना टीकाराम जी को, बड़े अच्छे से इन्होंने बताया। दोबारा से मैं इनके बारे में बता दूं, ये योग गुरु भी हैं, बाबा रामदेव के नज़दीकी माने जाते हैं, शहर फरीदाबाद जिले के शहर के जाने माने शिक्षाविद हैं, खेड़ी कला गाँव से संबंध रखते हैं, अपना एक इनका प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान भी है जो कि 1000 बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आप इनके विचार सुने, जहाँ तक अच्छा लगे इनका शेयर जरूर करें। ओम नमस्ते।